नमस्कार, मैं सौम्य मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में दिल्ली की 7 संसदीय लोकसभा सीटों में से 5 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें चांदनी चौक, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को छोड़कर भाजपा ने सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है। चांदनी चौक से व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज, दक्षिणी दिल्ली से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूरी और पश्चिमी दिल्ली से पार्षद व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत पर भाजपा ने भरोसा जताया है। खास बात यह है कि ये सभी के सभी प्रत्याशी दिल्ली के ही हैं और नए हैं। इस सब के बीच एक अहम बात यह भी है कि लगभग एक को छोड़कर सबके टिकट काटे गए हैं, जो कि अब मौका दे रहा है विपक्ष को सवाल खड़े करने के लिए। दोस्तों, ये जितने भी अभी नाम मैंने आपको बोले, इनमें से कोई भी बाहर से नहीं लाया गया है। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। पिछली बार के चुनाव में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। पहली सीट में 2 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, यानी दोनों ही चिंता का विषय है। इसमें उत्तर पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली सीट शामिल है। माना जा रहा है कि भाजपा इन सीटों पर भी अपनी लिस्ट में नए उम्मीदवार उतारने वाली है। वजह यह है कि पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने खुद ही राजनीति से किनारा कर लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शनिवार सुबह को साझा की थी, जो खबर हमने आपके साथ भी बताई थी आपको। जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंस राज हंस को भी पार्टी दिल्ली से दोबारा चुनाव लड़ाने के मूड में कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। दोनों सांसद अपने अपने क्षेत्र के मशहूर हस्ती हैं, लेकिन अब जो है इन दोनों को ही एक ने हाथ खड़े कर दिए हैं और दूसरे को बीजेपी हटाने के फिराक में है। इन हालातों में यह माना जा रहा है कि इन सीटों पर भाजपा की प्राथमिकता में सेलिब्रिटी हो सकते हैं, ये दो सीटें बचे हैं उनपे। और समस्या यही उठ भी रही है कि क्या जिस तरह से पिछली बार भी एक सेलिब्रिटी को उतारा गया था, उसी तरह से एक बार फिर से एक सेलिब्रिटी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा और उस पर भी सवाल उठेंगे, या फिर बीजेपी सबको तुक्का मारकर मजाक बनाने में लगी हुई है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिस तरीके से गौतम गंभीर आए और उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, ये जनता का कहना है, ये विपक्ष का कहना है कि विपक्ष जमीनी स्तर से जानता है कि क्या कहना है उनका। आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि वो जानते हैं कि पूर्वी दिल्ली में किसी भी तरीके से गौतम गंभीर को कहीं से पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करते हैं। हालांकि बीजेपी ने इसके दावे किए हैं कि रसोई जैसी ऐसी कई चीजें लेकर आई गई थी कोविड के दौरान और कई तरीके से मदद करने की भी कोशिश की थी गौतम गंभीर ने। हालांकि अब गौतम गंभीर के जैसे ही उन्होंने राजनीति छोड़ने की बात कही, वैसे ही अगले पल में ही जयंत सिन्हा का भी फैसला आ गया। इन दोनों के फैसले के बाद विपक्ष एक एक करके कटाक्ष कर रहा है बीजेपी पर। देखिए कि आखिर सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर क्या कहा है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है, ब्रेकिंग न्यूज, सुबह दिल्ली से गौतम गंभीर और अब हजारीबाग से जयंत सिन्हा। बीजेपी के दोनों स्टार सांसदों ने चुनाव और राजनीति से अलग होने का फैसला किया। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का मैदान छोड़कर भागना साबित करता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो कुछ जीव पहले ही उसे छोड़कर भागने लगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के अन्याय का जब हिसाब होगा तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी। ये लोग समझ गए हैं कि भ्रामक प्रचार और खोखले दावों का वक्त लद गया है, तो इन्होंने पहले ही बीजेपी से दूरी बना ली है। मीडिया के प्रिय साथियों, आपको फुलाया गया है गुब्बारा तो चुनाव से पहले ही फूट गया है। लेकिन ये हेडलाइन, ये कुछ सुझाव जो सुप्रिया श्रीनेत ने दिए हैं कि अब गुब्बारा तो फूट गया है, मीडिया वालों ने जो फुलाया है ये उनका कहना है। आखिर क्या हेडलाइन सुझाव दिए हैं देखिए जरा, जहां पर उन्होंने लिखा है, बीजेपी में मची भारी भगदड़, एक के बाद एक बीजेपी सांसद कर रहे किनारा। गंभीर जयंत ने बीजेपी को कहा बाय बाय, डूबती बीजेपी को छोड़ते सांसद, बीजेपी का संकट और गंभीर हुआ। बीजेपी को अब जय की नहीं जयंत की उम्मीद है, ये उनका कहना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज पहली लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कि बीजेपी ने अब तक 14 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से
लगभग 27 महिलाएं उतारी हैं। इसके अलावा आपको 47 नवयुवक उतारे गए हैं। इसके बाद 18 अनुसूचित जनजाति और 18 जो है वो आदिवासी जो लोग हैं उनको उतारा गया है इसमें उम्मीदवार के रूप में। और इसके सिवा यहाँ पर ऐसे कई लोग उतारे गए हैं जिनकी उम्मीद बीजेपी को नहीं थी कि वो खुद भी इस पार्टी से उतारेंगे, लेकिन अब जो है लिस्ट जारी की गई है। एज यूजुअल हमेशा की तरह मोदी जी वाराणसी से लड़ेंगे और इसके सिवा लखनऊ से राजनाथ सिंह उतर रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग जगहों से अलग अलग बड़े बड़े लोग उतर रहे हैं। इस सब के बीच अब मोदी जी की गारंटी के कितनी काम आती है आने वाले समय में, ये बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि लोग इसे लेकर देखिए कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं। आदेश रावल है, लिखते हैं टिकट कटने का नया नाम संन्यास लेना है। मनीष कुमार वर्मा नाम की एक ट्विटर आईडी है जिससे लिखा जाता है, गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का मैदान छोड़कर भागना साबित करता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो कुछ जीव पहले ही उसे छोड़कर भागने लगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के अन्याय का जब हिसाब होगा तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी। कांग्रेस ने इसे लेकर कहा है कि टिकट क्यों काटे, क्या ये सांसद नाकारा थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या जिस तरीके से 5 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, और क्या गौतम गंभीर का भी टिकट कटने वाला था जो उन्होंने पहले ही संन्यास ले लिया, और अगर कटने वाला था तो फिर आखिर क्यों इन लोगों को लाया गया था जब ये सांसद काम करने वाले थे ही नहीं, जब वो इस योग्य ही नहीं थे कि वो जनता की समस्याओं को समझ सके। इसी पे पवन खेरा ने कई सवाल खड़े किए हैं, पहले सुनिए कि आखिर वो क्या क्या सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, फिर आपको बताएंगे इसे लेकर कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया। सुबह से 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ट्वीट करके कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, एक गौतम गंभीर साहब और दूसरे जयंत सिन्हा साहब। अब उनके कारण हमें नहीं समझ में आए, लेकिन यह बात तो समझ में आती है कई समझदार लोग भारतीय जनता पार्टी से किनारा करना चाहते हैं। कारण क्या है वो उनसे पूछिए। उसके बाद एक लिस्ट आई, 195 लोगों की लिस्ट आई, कई सिटिंग MPs की टिकट काटी गई। तो अब नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 आपने उनको सांसद बनाया तो क्या वो इतने नाकारा थे कि आप उनको नहीं दोहराना चाहते? तो उसके लिए आप माफी मांगिए जनता से कि साहब माफ कीजिए, मैंने आप गलत लोगों को आप पर थोपा दिया। और अगर वो गलत नहीं थे फिर उनकी टिकट क्यों काटी, उसका जवाब दे। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी, हमेशा उनको एक आत्मविश्वास रहता है और चारों तरफ जो चाटुकार हैं वो भी उनको कहते रहते हैं साहब आपके नाम से ही चुनाव जीते जाते हैं। तो जब आप ही के नाम से सब चुनाव जीतते हैं तो क्या प्रज्ञा ठाकुर आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाते, या मीनाक्षी लेखिया आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाती, या रमेश विधुड़ी आपके नाम से चुनाव नहीं जीत पाते? नंबर 3, टेनी जी का आप पर क्या दबाव है कि आप टेनी जी के सुपुत्र ने किसानों को रौंद कर मार डाला फिर भी टेनी जी को आपने टिकट दी, क्या ये उसका पुरस्कार है? क्या आपको किसानों से इतनी नफरत है कि आप टेनी जी को जरूर टिकट देंगे? तो ऐसे कई सवाल ये पहली लिस्ट खड़े करती है। और सबसे बड़ा सवाल इस लिस्ट से उसका जवाब मिलता है, ये 400 पार वाली लिस्ट है। तो दोस्तों सुना आपने, कांग्रेस ने इसे लेकर लिखा है टिकट क्यों काटे, क्या ये सांसद नाकारा थे? अगर थे तो बीजेपी को वोटरों से माफी मांगनी चाहिए जिन पर इन सांसदों को थोपा गया। क्या इस बार मोदी का जादू मीनाक्षी लेखी, प्रज्ञा ठाकुर, रमेश विदुरी, प्रवेश वर्मा को नहीं जिता सकता था? ये बातें पवन खेरा कहते नजर आ रहे हैं और ये अहम सवाल है कि क्या सच में मोदी जी का जादू नहीं है, जो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि देश में जब मोदी के चेहरे पे ही चुनाव जीता जाता है, मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना है, तो फिर मोदी के चेहरे पे जीत जाना था। क्यों, क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को छाटने की, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।